हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो रोल। बनाना बहुत आसान है। उसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, उसका छिलका निकाल लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम चिप्स की तरह कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कटर का भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से कट कर लिया है। हमें बहुत पतला कट करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है कि टूट जाए, बस इतना कट करना है कि अच्छे से फ्राई क्रिस्पी फ्राई हो। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हमें इसी तरीके से रखना है। अब इसे हम 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर आलू के अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आलू में स्टार्च जो है बहुत ज़्यादा होता है जिससे आलू क्रिस्पी नहीं होता है। अच्छे से वॉश करने के बाद अगर हम फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी होगा। किचन टॉवल से मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसे हम एक प्लेट पे रखेंगे, ऊपर से हम कॉर्नफ्लोर को डस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से रोल करेंगे, बहुत आसानी से ये रोल हो जाता है। और टूथपिक की हेल्प से हम इसे रोल कर देंगे। इसे खुलेगा नहीं इसलिए मैंने टूथपिक का यूज़ किया है। तो दोस्तों, बाकी रोल को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। तो बाकी रोल को भी मैंने इसी तरीके से बना लिया है। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया था, पैन के अंदर ऑयल डाल दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके अंदर मैंने पोटैटो रोल को डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। दोस्तों, ये रोल बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा। बनाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो बाकी को भी मैंने फ्राई कर लिया है, पैन में डाल दिया। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसे हम टच नहीं करेंगे। टोटल फ्राई करने में हमें 8 से 9 मिनट लग सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अलग ये है रेसिपी। शाम में चाय पे आप इसे बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसकी क्रिस्पनेस देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है। थोड़ा सा मैंने पुदीने की पत्ती डाल दी। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, टेस्ट भी थोड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कोई मसाला वगैरह का यूज़ नहीं किया है इसमें, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बन के तैयार है रोल। अब हम टूथपिक को अलग कर लेते हैं, बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं और रोल भी ऐसे ही रहेंगे, खुलेंगे नहीं। घर पे कोई गेस्ट आए तो आप इसे झटपट बना के सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पोटैटो रोल बनके तैयार है। अब इसे हम टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो इसे मैंने सर्व कर दिया है। तो आप भी बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।